हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टडी किया था 1D क्लोज पैकिंग एंड 2D क्लोज पैकिंग के बारे में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं 3D क्लोज पैकिंग क्या होती है। वेल, बेसिकली 3D क्लोज पैकिंग यानी कि एटम्स जो हैं वो किस तरह से एक 3D स्ट्रक्चर में उन्होंने अपने आप को क्लोजली पैक कर रखा है, उसकी पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग फ्रैक्शन क्या है, प्लस किस तरह की क्लोज पैकिंग देखी जाती है, वो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑब्जर्व करेंगे। सो जिस भी स्टूडेंट ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर और उसके साथ स्टूडेंट्स आपको बेल आइकन देखने को मिलेगी। बेल आइकन को प्रेस करने से क्या होगा, नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है, ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर खुद ब खुद आ जाएगी। सो अब हम देखते हैं हमारा टॉपिक क्या है, 3D क्लोज पैकिंग। अगर मैं आपको कहूँ 3D क्लोज पैकिंग क्या होती है, मतलब इसके अंदर बेसिकली तीन लेयर्स हमें देखने को मिलेगी। एक होती है बेस लेयर, फिर एक होती है उसके ऊपर जो लेयर है और एक है जो उसके भी ऊपर लेयर है, यानी कि तीन लेयर्स देखने को मिलेगी। सो सबसे पहले अगर मैं बात करती हूँ 3D क्लोज पैकिंग के अंदर जो बेस लेयर होती है, सबसे नीचे वाली लेयर, बेस लेयर को स्टूडेंट्स हम बोलते हैं ए लेयर, ठीक है, इसे कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेस लेयर के अंदर पार्टिकल्स किस तरह से अरेंज हमें देखने को मिल सकते हैं, ये दो तरह से अरेंज हो सकते हैं, या तो वो स्क्वायर क्लोज्ड पैकिंग से अरेंज होते हैं या फिर वो हेक्सागनली पैक्ड होते हैं। अब आप सब सोच रहे होंगे भी स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग क्या होती थी। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने इन दोनों पैकिंग को स्टडी किया था और अगर मैं आपको इसका डायग्राम बनाकर दिखाऊं तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या होती है स्टूडेंट्स, स्क्वायर क्लोज पैकिंग कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलती है। मतलब अगर आप एक्स एक्सिस में जाइए या आप वाई एक्सिस के दौरान यहाँ पर आएंगे तो आप देखेंगे एक पार्टिकल के नीचे, फिर एक उसके नीचे, सिमिलरली एक उसके साथ में, एक उसके साथ में, तो एक पर्टिकुलर सा स्क्वायर शेप स्ट्रक्चर हमें ऑब्जर्व होता है। लेकिन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है स्टूडेंट्स, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में पार्टिकल्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होते हैं भी, दो मॉलिक्यूल्स के नीचे एक, फिर दो के नीचे एक, फिर दो के नीचे एक, तो हमें कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। अब क्वेश्चन ये राइज करता है भी 3D क्लोज पैकिंग में जो बेस लेयर की बात हम कर रहे हैं, सबसे नीचे वाले लेयर की बात कर रहे हैं, वो किस तरह से अरेंज्ड होगा, क्या वो स्क्वायर क्लोज पैकिंग की तरह अरेंज्ड होगा या वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग की तरह अरेंज होगा। सो आपको ये बता दूं भी पैकिंग एफिशिएंसी हमने इन दोनों की कैलकुलेट करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और जब हमने इनकी पैकिंग एफिशिएंसी स्टूडेंट्स कैलकुलेट करी थी तो हमने ये देखा था भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो है वो ज़्यादा होती है, ठीक है। तो अगर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग ज़्यादा है तो रेफरेंस भी किसको दी जाती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग को ही दी जाती है। इसीलिए हम हमेशा से जब भी 3D क्लोज पैकिंग करते हैं तो जो बेस लेयर है वो हम लेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाली। आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, इसके थ्रू आपको और समझ आएगा। ये है मेरी बेस लेयर, यानी कि सिंगल लेयर जो हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर में इसने अपने आप को अरेंज कर रखा है। मैं आपको एक शीट पर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है 3D क्लोज पैकिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया भी हम सबसे पहले फर्स्ट लेयर के अरेंजमेंट करेंगे। आपको मैं इसको ऐसे दिखाऊंगी क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक लेयर बना रखी है। तो फर्स्ट लेयर कैसी होती है स्टूडेंट्स, जैसे आपको ये देखने को मिल रहा है भी ये एक सफ़ेद है, ये एक सफ़ेद है और इसके नीचे ये सफ़ेद है। मैंने आपको बताया भी जो बेस लेयर होती है हम उसे दो तरह से अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले अरेंजमेंट होती है स्क्वायर क्लोज पैकिंग, ठीक है, सेकंड होती है हेक्सागन। तो ये है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जहाँ पर दो स्फीयर्स के नीचे एक, इन दो के नीचे ये, इन दो के नीचे ये, इन दो के नीचे ये, तो इस प्रकार से क्या होगी, इसकी अरेंजमेंट होगी। फिर फर्दर इन दो के नीचे ये, इन दो के नीचे ये, तो इस तरह से हमारी बेस लेयर हो जाएगी जो सबसे नीचे हमें देखने को मिलती है। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको शीट पर दिखाया अभी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में जो हमारे स्फीयर्स होते हैं या मैं कहूँ क्रिस्टल्स होते हैं वो किस प्रकार से अरेंज्ड होते हैं। तो ये तो हो गई हमारी बेस लेयर, और हेक्सागोनल बेस लेयर क्यों ली गई, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी देखी गई है ना। तो अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज करता है भी इसमें किस तरह के वॉइड्स देखे जाते हैं। तो अब देखिए, अगर मैं इसको बड़ा बनाऊं स्ट्रक्चर को थोड़ा सा, ताकि हम क्या देख सकें इसके अंदर भी किस प्रकार के वॉइड्स हमें देखने को मिलेंगे। सो स्टूडेंट्स ये देखिए, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक थोड़ा सा बड़ा सा स्ट्रक्चर बनाएंगे इसका। एक ये एटम है, एक ही एटम है, इन दोनों के नीचे एक है, ठीक है, फिर एक इधर है, ऐसे ही एक इधर है, इन दोनों के नीचे एक है, इन दोनों के भी नीचे एक है,
ये तो होगी, एक और लेयर बना देते हैं। इन दोनों के नीचे एक है, इन दोनों के नीचे एक है, और ऐसे एक यहाँ पर अरेंज होगा। तो ये क्या है, हमारी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग है। अब मैं आपसे पूछूं भी इसमें किस मतलब कौन से वॉइड्स देखने को मिलेंगे। तो याद कीजिए, जब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग समझाई थी, मैंने कहा था अभी इसके अंदर हमें ट्रायंगुलर वॉइड्स देखने को मिलते हैं। अब ट्रायंगुलर वॉइड्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, देखिए ट्रायंगुलर वॉइड्स वो होंगे, आप देखोगे भी ये फर्स्ट आइटम है, जैसे ये सेकेंड है और ये इसके नीचे थर्ड है। तो जो इनके बीच का रीजन है जहाँ पर एक और स्फीयर आके फिट हो सकता है, ये एक ऐसा गैप जो जब हम क्रिस्टल्स को जॉइन करते हैं और हमें देखने को मिलता है, इसे हम बोलते हैं वॉइड। और ये वॉइड ट्रायंगुलर वॉइड क्यों कहलाता है, क्योंकि जब भी हम देखते हैं भी ये तीन स्फीयर्स को जॉइन करने से बनेगा, और तीन स्फीयर्स को जब भी हम जॉइन करते हैं तो एक ट्रायंगल हमें ऑब्टेन होता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्रायंगुलर वॉइड्स हमें दो तरह के देखने को मिलेंगे। मैं बात कर रही हूँ ट्रायंगुलर वॉइड्स की, हमें दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स देखने को मिलेंगे। एक को मैं डॉट से रिप्रेजेंट करूंगी, और स्टूडेंट्स एक को मैं क्रॉस से रिप्रेजेंट करूंगी, ठीक है। तो डॉट वाले कौन से होते हैं, डॉट वाले वो होंगे जहां पर दो एटम ऊपर हैं और एक एटम नीचे है। तो जो यहां पर देखने को मिल रहा है डॉट वाला, देखिए कैसे दो एटम ऊपर और एक एटम नीचे, तो ये कौन सा हो गया, डॉट वाला हो गया। अब ये दो एटम ऊपर और ये नीचे, तो ये कौन सा हो गया, डॉट वाला, ये क्या है, ट्रायंगुलर वॉइड। अब ये दो एटम ऊपर और एक नीचे, तो ये कौन सा हो गया, डॉट वाला, यानी कि ये है ट्रायंगुलर वॉइड। अब देखिए, अब आते हैं क्रॉस वाले कौन से होते हैं। क्रॉस वाले जब ऊपर एक होगा और नीचे दो एटम होंगे, तो यहाँ पर जो वॉइड देखने को मिलेगा ये होगा क्रॉस वाला वॉइड, ठीक है। डॉट वाले वॉइड में और क्रॉस वाले वॉइड, यानी कि है तो दोनों ट्रायंगुलर, बस एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है। तो आप ये देखेंगे कि जो डॉट वाला वॉइड है हमारा, इसमें दो एटम्स ऊपर और एक नीचे, और क्रॉस वाले में एक ऊपर और दो नीचे, सिर्फ इतना सा ही फर्क है। तो यहाँ पर एक एटम ये ऊपर और ये दो नीचे, तो ये क्या है हमारा, क्रॉस वाला। एक एटम ऊपर और दो नीचे, तो ये कौन सा है, क्रॉस वाला। अब देखिए, दो एटम ऊपर और एक नीचे क्रॉस, ये मतलब दो एटम ऊपर एक नीचे है, तो ये कौन सा हो जाएगा, डॉट वाला, ये कौन सा हो जाएगा, डॉट वाला। अब अगर हम क्रॉस वाले की बात करें, तो एक एटम ये और दो नीचे, तो ये क्रॉस और ये क्रॉस। तो ये क्या है, हमें ट्रायंगुलर वॉइड्स देखने को मिल रहे हैं। दो तरह के ट्रायंगुलर वॉइड्स होंगे, एक वॉइड वो होगा जिसके अंदर दो एटम्स अपर होंगे और एक एटम लोअर में होगा, और दूसरे तरह का जो ट्रायंगुलर वॉइड है उसके इसमें क्या होता है, एक एटम ऊपर होता है और दो एटम्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नीचे होते हैं। ये तो होती है बेस लेयर, यानी कि फर्स्ट लेयर। अब जो सेकंड लेयर होती है, हम उसकी बात करने लगे तो फटाफट से वीडियो को पॉज करेंगे स्टूडेंट्स। और बेस लेयर यानी कि ए लेयर जो है, ये पूरी की पूरी ए लेयर है, इसे आप नोट करेंगे। सो स्टूडेंट, सेकेंड लेयर को बताने से पहले आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दूंगी। अब आप देखिए, ये डॉट वाला और इस डॉट वाले में कितना डिफरेंस है, अगर मैं आपसे नॉर्मली पूछना चाहूँ। मैं लेती हूँ एक ये वाला डॉट वाला जैसे, और ये वाला, राइट। तो इन डॉट वाले के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, सोचिए। ये क्या होता है, ये होता है रेडियस आर, इतना इतना डिस्टेंस। पूरा डायमीटर क्या होता है, 2R होता है। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा। मतलब दो हमारे जो डॉट वाले मतलब ट्रायंगुलर वॉइड्स हैं, उनके बीच का डिस्टेंस कितना हो जाता है, इनके बीच का डिस्टेंस हो जाता है 2R। ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। आपको स्ट्रक्चर दे दिया जाएगा या आपसे पूछ लिया जाएगा भी, डिस्टेंस भी निकाल के दिखाइए दो ट्रायंगुलर वॉइड्स के बीच में इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब देखो, ये तो ये था क्रॉस वाला, अगर यही आपसे मतलब डॉट वाला, अगर यही आपसे क्रॉस वाला पूछ लूं, तो जैसे ये क्रॉस वाला है, क्रॉस वाले में भी सेम हो जाएगा 2R, क्रॉस वाले में भी सेम ही हो जाएगा 2R डायमीटर। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ स्टूडेंट्स भी, एक डॉट और एक क्रॉस में, एक डॉट में और एक क्रॉस में कितना डिफरेंस है, तो वो हो जाएगा हमारा R, वो कितना हो जाएगा हमारा R हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। तो मतलब ये पार्टिकल्स के आप अरेंजमेंट देखो भी, इसके ऊपर जो मतलब वॉइड्स रखे जाएंगे वो कितने क्लोज होंगे भी, उनके बीच का डिस्टेंस सिर्फ R है, सिर्फ R। और दो एटम में मैंने आपको बताया था ना, मिनिमम डिस्टेंस ही 2R होता है दो एटम्स का, मतलब ये इन दोनों एटम्स का मिनिमम डिस्टेंस, बीच वाला डिस्टेंस कितना होता है, 2R होता है। तो और उसका तो R है, मतलब वो तो इसके बिल्कुल ऊपर रखा गया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना, बताऊंगी ऊपर रखना नीचे, एक जैसे मैं जो चीज़ समझा रही हूँ ये क्या है। फिलहाल के लिए डिस्टेंस को ऑब्जर्व करो भी, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो 2R है, लेकिन एक डॉट और एक क्रॉस के बीच का डिस्टेंस कितना है, R है। अब हम देखने लगे हैं सेकेंड लेयर क्या होती है, आइए। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है सेकेंड लेयर क्या होती है। बेसिकली सेकेंड लेयर जो होती है, वो हम ये कह सकते हैं भी, जो डॉट वाले अभी मैंने आपको दिखाए थे,
या क्रॉस वाले कहे थे, उनमें से किसी एक वॉइड पर आपने एक और सफ़ियर को प्लेस करना है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर दिखाती हूँ, आपको ये और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए ये वाले डॉट वाले हैं, ठीक है, तो इनके ऊपर प्लेस करना, जैसे ये देखो प्लेस कर रखे हैं। अगर क्रॉस वाले का मतलब क्या हो, इसके नीचे प्लेस करना मतलब प्लेस करने लग जाऊँ। देखो इस स्ट्रक्चर में आपको मैंने अभी डॉट वाला दिखाया था, ट्रायंगुलर वॉइड के ऊपर अगर आप एक और प्लेस कर दोगे तो वो कौन सा हो जाता था, टेट्राहेड्रल। यानी कि हम क्या करते थे, तीन लेते थे स्फीयर्स और उनके ऊपर एक प्लेस कर दिया, दैट इज टेट्राहेड्रल। देखो मैं स्ट्रक्चर से आपको दोबारा बताती हूँ। सेकेंड लेयर में जैसे ये है ना, तो मैंने आपको बोला भी ये वॉइड हमारा क्या था, ट्रायंगुलर वाला, ये डॉट वाला था और ये क्रॉस वाला था, है ना। तो अगर मैं आपको कहूँ भी मैंने डॉट वाले के ऊपर एक और ऐसे स्फीयर प्लेस कर दिया, तो ये मेरा कौन सा कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड, सॉरी ये कहलाएगा मेरा टेट्राहेड्रल वॉइड। अब जो सेकंड लेयर होती है, बेसिकली सेकंड लेयर क्या हुआ, मतलब ये जो बेस लेयर थी उसके ऊपर एक और आपने लेयर अरेंज कर दी, तो ये एक और लेयर ही अरेंज हो रही है। कैसे, देखो ऐसे इस प्रकार से, मतलब हम करते जाएंगे। कैसे, देखो आपको एक स्ट्रक्चर दिखाऊंगी मैं, ये देखो ये नीचे वाली लेयर, इसके ऊपर एक और लेयर, तो ये सेकंड लेयर हो गई। अब क्या होता है भी, दो तरह की हमें वॉइड्स देखने को मिलते हैं अगर हम सेकंड लेयर प्लेस करते हैं। सबसे पहला वॉइड होता है टेट्राहेड्रल, जो सेकंड टाइप का होता है वो कैसे होता है, देखो मान लो आप इसको फर्दर ऐसे ऐसे अरेंज कर दो, आगे भी तो अरेंज होगा ना, इसके नीचे भी अरेंज होगा, सॉरी। तो अब आपको क्या देखने को मिल रहा है, नीचे देखो एक, ये वाला देखो एक दो तीन, और इसके ऊपर उल्टे तीन, तीन ऐसे, मतलब एक ऊपर और दो नीचे, और इसके ऊपर दो नीचे, सॉरी एक नीचे और दो ऊपर। कैसे, देखो ये ऐसे है, इसके ऊपर जब मैं प्लेस कर रही थी तो मैंने क्या किया, ऐसे प्लेस कर दिया, है ना, दो ऊपर एक नीचे। तो ये कौन सा हमें वॉइड देखने को मिलता है, ऑक्टाहेड्रल। तो जब भी सेकंड लेयर बनती है तो दो तरह के वॉइड देखने को मिल सकते हैं, एक होता है टेट्राहेड्रल, एक होता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये राइज करता है भी, मैम हमें डॉट वाले के ऊपर अरेंज करना है या क्रॉस वाले पे। जब आप डॉट वाले पे अरेंज करोगे तो देखोगे क्रॉस वाले पे कोई एटम आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब आपने किसी भी एक ट्रायंगुलर वॉइड पे प्लेस करना है, या तो आप डॉट वाले ट्रायंगुलर पे करो या क्रॉस वाले पे करो, मतलब इनमें से किसी एक पे करोगे तो जाकर आपको टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। अब जो सेकंड लेयर होती है ये दो तरह की हमें पैकिंग शो करती है, एक पैकिंग होती है ए बी टाइप और एक पैकिंग होती है ए बी सी टाइप। दो तरह की पैकिंग हमें देखने को मिलेगी। अब आप लिख भी सकते हैं इसे स्टूडेंट्स, आफ्टर प्लेसिंग सेकंड लेयर ऑन ऑल द वॉइड्स, ठीक है, देन इट विल बी कन्वर्टेड आइदर इनटू टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वॉइड। जब आप सेकंड लेयर को फर्स्ट लेयर के ऊपर प्लेस करोगे तो आपको कौन से वॉइड देखने को मिलेंगे, टेट्राहेड्रल या फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब मैं आपको एक शीट पर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके दिखाऊंगी। सो गाइस स्टूडेंट्स, जैसे कि अभी मैंने आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करके दिखाया और मैंने आपको बोला भी सेकंड लेयर को हम किस प्रकार से अरेंज करेंगे, तो ये तो हमारी बेस लेयर थी जो कि अभी हमने स्टडी किया था। सेकंड लेयर देखिए स्टूडेंट्स हम किस तरह से दिखा सकते हैं भी, आपको यहाँ पर अगर मैं बोलूँ, ये देखो जैसे ये हमारे दो एटम्स हैं और इसके नीचे एक एटम है, तो अगर इनके ऊपर मैं रख दूँ, इन दोनों के ऊपर अगर मैं रख दूँ, इन दोनों के और इस वाले के तीनों के बीच में एक रख दूँ स्फीयर, तो वो क्या बन जाएगा, ये हमारा बन जाएगा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं ये हमारा बन जाएगा टेट्रागोनल स्ट्रक्चर। तो मैंने इस तरह से क्या किया, इन सारे स्फीयर्स को एक टेट्रागोनल स्ट्रक्चर करते हुए बना दिया। और अगर मैं यहीं पर स्टूडेंट्स एक और लेयर लगा देती हूँ तो वो मेरा बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर। देखिए कैसे, एक दो तीन, और इसके अगर आप पीछे देखेंगे तो एक दो तीन, मतलब कि यहाँ पर जो हमारे एटम्स है उसमें क्या भी दो ऊपर एक नीचे, और पीछे क्या होगा, एक ऊपर और दो नीचे, तो ये हमारा बन जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा और यहाँ पर हमें ये क्या देखने को मिलता है, टेट्राहेड्रल वॉइड देखने को मिलेगा। तो ये हमारी होती है सेकेंड लेयर जो हम कह सकते हैं। अब हम देखेंगे स्टूडेंट्स थर्ड लेयर क्या होती है। सो यस फ्रेंड्स, हमने देखा था अभी तक भी सेकेंड लेयर क्या होती है। फर्स्ट लेयर होती है हमारी बेस लेयर जिसे हम ए लेयर बोलते हैं। सेकंड लेयर वो लेयर होती है जो बेस लेयर के ऊपर प्लेस की जाती है। जब हम बेस लेयर के ऊपर कोई लेयर प्लेस करेंगे यानी कि स्फीयर्स को प्लेस करेंगे तो वो क्या शेप ऑब्टेन करते थे,
वो ट्रायंगुलर शेप ऑब्टेन करते थे, यानी कि देखिए बेस वाले ट्रायंगुलर बनाते थे वर्ड्स, उन बेस वालों के ऊपर एक सफ़ेद रख दिया तो टेट्राहेड्रल बनेंगे, अगर बहुत सारे रख दिए तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स भी हमें देखने को मिलते थे। अब बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट्स, ये तो दो तरह की मैंने आपको बताया लेयर्स फॉर्म कर सकता है, ए बी ए बी टाइप और ए बी सी टाइप, है ना। अब जो होती है थर्ड लेयर, थर्ड लेयर क्या होती है, भी सेकंड लेयर के ऊपर एज इट इज़ अगर उसे रख दिया जाए, जैसे ए लेयर थी वैसे ही रख दिया जाए तो वो ए बी टाइप कहलाएगी, लेकिन अगर उसके ऊपर मतलब बी लेयर के भी ऊपर रख दी जाए, हालांकि रखी तो बी लेयर पे ही जाएगी पर अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से हो, बी ए के ऊपर बी और उसके ऊपर फिर से एक ऐसी अरेंजमेंट जो ए से सिमिलर है, वो होगी ए बी टाइप। लेकिन एक ऐसी लेयर जो ए से सिमिलर ना हो और बी कर ऊपर बी के ऊपर प्लेस की जाए, बी के वॉइड्स के ऊपर प्लेस की जाए, वो कहलाती है ए बी सी टाइप। सो यस स्टूडेंट्स, अब आती है थर्ड लेयर के अरेंजमेंट। थर्ड लेयर अरेंजमेंट हम कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हैं ये जो नीचे वाली है ये चीज़, ये है मेरी बेस लेयर, ठीक है, यानी कि ए लेयर, और ये जो ऊपर आपको देखने को मिल रही है ये है मेरी बी लेयर, यानी कि मैं कह सकती हूँ सेकेंड लेयर। अब जो थर्ड लेयर है हम इसे दो तरह से अरेंज कर सकते हैं। सबसे पहले अरेंजमेंट ये है, बी ए थर्ड लेयर कुछ इस प्रकार से अरेंज होगी, बी ए ए बी टाइप कहलाएगी, मतलब कि पहले ए फिर बी और फिर ए, मतलब ए और ए सिमिलर होगा, ठीक है। जैसे नीचे वाली लेयर है बेस लेयर, वैसे ही एक और थर्ड लेयर इसके ऊपर अरेंज हो जाएगी तो वो कहलाएगी ए बी टाइप। लेकिन अगर मैं कहूँ भी इन दोनों लेयर्स के जैसे इधर बीच में मैं रख देती हूँ सफ़ियर्स को, तो ये मेरी कहलाएगी ए बी सी टाइप। अगर ये थोड़ा इधर अरेंज होगा तो ये ए बी स्टाइल बनाएगी, और अगर ये इस प्रकार से अरेंज्ड होगा यानी कि सेकेंड लेयर के भी बीच में हम इसे लगा देते हैं तो ये कहलाएगा ए बी सी टाइप, यानी कि ये तीनों लेयर्स एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन यदि अगर इसे मैं यहाँ ऐसे लगा देती हूँ तो ये ए बी टाइप हो जाती है। तो ये थी हमारी थर्ड लेयर की रिप्रेजेंटेशन। देखिए ए बी टाइप की क्या होती है, जो ए बी टाइप की लेयर होती है इसके अंदर देखो, पहले मैंने आपको क्या चीज़ बताई, बी जो बेस लेयर होती है वो कैसी होती है हमारी इन शेप, हेक्सागोनल, देखो कैसे बनी होती है, ये कुछ इस प्रकार से हमें देखने को मिलेगी। हमारी बेस लेयर ये होती है हेक्सागोनल लेयर, अगर इसको मैं नंबरिंग दे दूँ तो ये है 1, ये है 2, ये 3, 4, 5, 6 एंड 7। अब स्टूडेंट्स जो सेकंड लेयर होती है हमारी बी लेयर, मैं आपको इसके ऊपर ही इसको करके दिखाऊंगी, आपको और क्लियरली समझ आ जाएगा। अब जो सेकंड लेयर होती है, सेकंड लेयर किस प्रकार से इस पर अरेंज होगी, देखो एक ये सफ़ियर हो गया जैसे, ठीक है, एक ये सफ़ियर हो गया, एक ये सफ़ियर हो गया, समझ पा रहे हो। ये जो मैंने आपको दिखाया, मैं शेड करके दिखाती हूँ, ये मेरी क्या होगी, ये मेरी है सेकंड लेयर, ठीक है। ये बेस लेयर के ऊपर मैंने क्या किया, उनके वॉइड्स के ऊपर क्या किया, बी लेयर को प्लेस कर दिया। बी लेयर को अब यहां पर मैं अलग से दिखा देती हूँ ताकि आपको और क्लियरली ये समझ आ जाएगा। ये इन्हें नंबरिंग दे दीजिए 8, 9 एंड 10, देखो 8, 9 एंड 10। अब इस सेकंड लेयर के ऊपर अगर एक और लेयर प्लेस की जाए, बिल्कुल ए के ऊपर है, मतलब जो 11th मॉलिक्यूल होगा वो यहीं पर होगा, 12th यहीं पर होगा, 13th यहीं होगा, 14th यहीं होगा, 15th यहीं होगा, 16th यहीं होगा, 17th यहीं होगा, मतलब बिल्कुल वो ए बेस लेयर से सिमिलर होगी तो वो ए बी टाइप होगी। लेकिन जो मैं बोलती हूँ ABC टाइप, उसमें क्या होता है, जैसे इसके ऊपर एक और मॉलिक्यूल रख दिया, फिर उसके साथ रख दिया, उसके साथ रख दिया, तो वो ABC हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ए लेयर और जो सी लेयर होगी वो सिमिलर नहीं होगी। लेकिन अगर एक मॉलिक्यूल मैं इसके सेकंड लेयर के ऊपर रखती हूँ तो यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, फिर यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, यहाँ रखूँ, तो वो ए के बिल्कुल सिमिलर है, इस वजह से उसे ABA टाइप कहा जाता है। अब मैं बता क्या करने वाली हूँ आपको ना, इसको स्ट्रेट वे में अगर दिखाऊँ बनाकर, ठीक है, एक बार इसको पहले ड्रॉ कर लो, नीचे लिख लेना, ये वाली जो हमारी लेयर है स्टूडेंट्स ये ए लेयर है, और ये वाली जो लेयर है हमारी ये बी लेयर है, और सी लेयर नहीं सॉरी फिर से ए लेयर जो इसके ऊपर रखी जाएगी वो ए लेयर हो जाएगी। तो कौन सी टाइप हो जाएगी, ए बी टाइप, वैसे कंटिन्यू होता जाएगा, ठीक है। अब मैं आपको प्रॉपरली इसको दिखाती हूँ, आपने करना एक पूरी शीट ले लेनी है, मतलब खाली शीट ऊपर से, अगर आप मिड पे लिख रहे हो तो नेक्स्ट पेज पे आ जाओ और बिल्कुल ऊपर से आपने शुरू करना है। अब मैं आपको ना इसकी अरेंजमेंट दिखाती हूँ,
बी ए बी ए बी टाइप हमें किस प्रकार से देखने को मिलेगी? तो देखो, मैंने आपको पहले बनाकर दिखाया था ए लेयर जो हमारी होती है। ए लेयर हमारी हेक्सागोनल इन शेप होगी, इसको थोड़ा और ऊपर बनाते हैं। द रीज़न इज़ क्योंकि वो फिर आपको मॉलिक्यूल की अरेंजमेंट समझ ही नहीं आएगी, ठीक है। हम देखो इसे, देखो ये हमारी कौन सी लेयर है, ए लेयर है। इसके ऊपर हमने कौन सी लेयर प्लेस की, ये बी लेयर हमने इसके ऊपर क्या कर दी स्टूडेंट्स, प्लेस कर दी। ये बी लेयर होगी। अब इस बी लेयर के ऊपर भी कौन सी लेयर प्लेस करी हमने, फिर से हमने इसके ऊपर क्या किया स्टूडेंट्स, ए लेयर प्लेस कर दी। तो आप समझ पा रहे हो, ए लेयर पर बी लेयर और बी लेयर पे फिर से ए लेयर, मतलब ये ऐसे 3D सोचो इसको, पहले ये बेस, इसके ऊपर ये रख दो, फिर इसके ऊपर ये रख दो। अब मॉलिक्यूल्स के नाम लिखिए बेस वाले मॉलिक्यूल्स के, ये आपको बता दिया था, ये 8, ये 9, ये 10, ठीक है, 11, 12, 13, 14, 15, 16 और 17। तो ये कुछ इस प्रकार से आपको अरेंजमेंट इसकी देखने को मिलेगी। अब इसी को मैं और अच्छे से यहाँ पर क्या करती हूँ, देखो अब मैं ना इनको डॉट की फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ। जैसे इसका सेंटर है तो ए का सेंटर, फिर बी का सेंटर, ये देखो दो हो गए ना, इन दोनों के सेंटर बना दिए। अब तीन सेंटर्स आएंगे, एक दो तीन, तीन सेंटर्स आ गए, समझ पा रहे हो। अब आगे देखो, फिर दो सेंटर्स आएंगे, एक दो, ठीक है। अब ये क्या है, तीन सेंटर्स हैं स्टूडेंट्स, इन तीन सेंटर्स को क्या करना है आपको, बीच में बनाना है क्योंकि ये इसके ऊपर अरेंज है ऐसे, है ना, अभी जो आपको बना के दिखाया था। तो एक दो और तीन, अब फिर से सेम वही अरेंजमेंट, पहले दो आएंगे बिल्कुल इसके नीचे आपने बनाने हैं, फिर तीन आएंगे स्टूडेंट्स, और फिर क्या आएंगे स्टूडेंट्स, दो आ जाएंगे। तो ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है ना। अब देखो मैं क्या करूंगी, इनको ज्वाइन करूंगी, मैं इसको थोड़ा मोटा करके ज्वाइन करके दिखाती हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हैं मैं किस तरह से इसे ज्वाइन कर रही हूँ स्टूडेंट्स। आपने क्या करना है ना, इसको इससे भी ज्वाइन करना है, मतलब सारे सेंटर्स को एक दूसरे से ज्वाइन कर दो, सीधी सी बात है। अब जैसे इस नीचे वाले को भी ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब हम ऊपर वाले को जब ज्वाइन करेंगे, एक सेकेंड, हाँ जी ये देखो, इसको इससे ज्वाइन कर दो, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले से, क्योंकि ये इसके ऊपर है, ये इसके ऊपर है, तो बेसिकली ये दिखता कैसे, मैंने एक्सपैंडेड फॉर्म दिखा दिया आपको, ठीक है। अब ऐसे ही जो सेंटर वाला है उसे सेंटर वाले से ज्वाइन कर दो, और ये मॉलिक्यूल्स आप बनाएंगे अभी टेंशन नहीं लेनी, हमने क्या करना है 3D से स्ट्रक्चर बनाना है इनकी अरेंजमेंट शो करने के लिए। ऐसे ये चीज़ देख रहे हो, ये चीज़ इससे कनेक्टेड होगी, तो मैं इसको डॉटेड से शो कर रही हूँ, ठीक है। तो अब आपको देखने को मिल रहा होगा ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से बना है। अब एक और चीज़ देखिए, जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स हैं हम इन्हें एक दो तीन, ये इस तरह से प्रेजेंट है, समझ पा रहे हो। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है, एक ऊपर ये सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे, फिर बीच में आपको ये लेयर देखने को मिलेगी, और फिर नीचे लेयर देखने को मिलेगी। तो ये इसका के एक्सपैंडेड फॉर्म है, अगर आप उसे जूम करके देखना चाहो भी मॉलिक्यूल्स कैसे अरेंज्ड है, तो वो इस तरह से अरेंज्ड है। अब इसी स्ट्रक्चर से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि आपके पेपर में पूछे जाते हैं। सबसे पहली चीज़ जो आपसे पूछी जाती है वो आती है कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, एक एटम कितने और एटम से सराउंडेड है, वो उसका क्या होता है स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं एटम 4 की बात करूं, ये बीच वाले की, इस वाले एटम की,
ये एटम और कितने एटम से सराउंडेड है? अब वहां पर नहीं, यहां पर देखो एक बारी, ये एटम्स कितने और से सराउंडेड है? देखो एक, ठीक है, दो, तीन, चार, पांच, छह। अब ये भी तो इसके ऊपर लगा हुआ है, ये तो मैंने खोल के दिखा दिया, ये लेयर इसके ऊपर है, तो ये तीन और को टच कर रही है, मतलब ए लेयर, ये ए लेयर है, ये बी लेयर है, और ये भी क्या है, ए लेयर है। तो जो फर्स्ट वाली ए लेयर है उसके कितने मॉलिक्यूल्स को सराउंड करती है? 1, 2, 3, 4, 5 and 6। तो यहाँ लिख सकते हैं 6 वहाँ पे हो गए। बी लेयर के कितने मॉलिक्यूल्स को सराउंड करती है स्टूडेंट्स? 3 को, 1, 2, 3। अब एक और चीज़ सोच के देखिए, जैसे ये इसके ऊपर प्रेजेंट है, इसके नीचे भी तो सेम ऐसा एक प्रेजेंट होगा ना, ये क्या एक 3D स्ट्रक्चर है। अगर मैं कह रही हूँ ए बी ए बी ए बी, तो एक ए दो बी से सराउंडेड है, मतलब एक अगर इसके ऊपर है तो ऐसा ही बी वाला स्ट्रक्चर इसके नीचे भी होगा, ए बी ए बी ए बी, है ना। तो ये नीचे वाले बी से कितने से सराउंडेड है? और 3 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो आप यहाँ लिख सकते हो ये अप वाला है और ये डाउन वाला बी है, तो टोटल कितने हो गए स्टूडेंट्स? 6 और 6, 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पर? 12 आ जाएगा, एटम 4 की अगर हम बात करते हैं तो। क्लियर है? अभी आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन निकालेंगे नंबर ऑफ, ठीक है, एटम्स पर यूनिट सेल, जिसे मैं जेड बोलती थी, याद है आपको? ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हमने जेड की वैल्यू निकालनी है। जेड कैसे निकालते थे? कंट्रीब्यूशन इनटू डिस्ट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन भी वो कितना कंट्रीब्यूट करता है, और डिस्ट्रीब्यूशन वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है स्टूडेंट्स। अब देखो, जो आप बात करते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर कोई एटम है जो बिल्कुल कॉर्नर पर, जैसे ये सेकेंड एटम है, बिल्कुल कॉर्नर पर प्रेजेंट है, मैं इसके कॉन्ट्रीब्यूशन की बात करूँ तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होगा? देखो खुद सोचो, ये और कितनों से कनेक्टेड होगा? ये इस कॉर्नर वाले की चलो बात करते हैं, इस कॉर्नर वाले की बात करूँ तो यहाँ पर भी एक हेक्सागन होगा ऐसा ही, समझ पा रहे हो? एक हेक्सागन यहाँ पर भी होगा ऊपर ऐसा करके, ठीक है। ये कॉर्नर कितने से और मतलब सराउंडेड है? एक इधर, एक इधर, एक पीछे भी तो होगा स्टूडेंट्स इसके, ठीक है, एक पीछे भी ऐसे ही दो होंगे और आगे भी ऐसे ही दो होंगे, तो कितना से सराउंडेड है एक ये कॉर्नर वाला? सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको कहा भी कितने कॉर्नर्स हो जाएंगे, देखो ये वाला कितने से कनेक्टेड होगा? एक इधर से, एक इधर से, ठीक है, ऐसे ही दो इसके ऊपर होंगे और दो इसके नीचे। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी ये कॉर्नर वाला, जैसे ये कॉर्नर वाला है, तो एक ये हेक्सागन हो गया, एक ये हो गया, दो ऊपर हो गए और दो नीचे हो गए, तो इसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसका जेड कैसे निकालेंगे? 1/6, क्योंकि एक के लिए 1/6 होगा, 6 को शेयर कर रहे हैं, इंटू 6 प्लस। अब देखो एक चीज़ मुझे और बताओ, जैसे ये हेक्सागन है, ये फेस है, ये बीच वाला मॉलिक्यूल और फिर नीचे एक और बेस है, मतलब ये छत को मैं हेक्सागन ले लूँ, बीच में बॉडी के सेंटर पर ये 3 मॉलिक्यूल्स हैं और जो मेरा बेस है जहाँ मैं खड़ी हूँ वो भी एक हेक्सागन इन शेप है, तो मैं कहूँ ऊपर वाला हेक्सागन कितनों को शेयर कर रहा है? ऊपर वाले रूम को और नीचे वाले रूम को, दो को शेयर कर रहा है, तो एक की कॉन्ट्रीब्यूशन 1/2 और टोटल कितने हैं? 2 प्लस। अब आता है बॉडी सेंटर वाला, देखो बॉडी सेंटर पर यहाँ पर प्रेजेंट है मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल जहाँ प्रेजेंट है वही कंसीडर करोगे, मॉलिक्यूल यहाँ प्रेजेंट है बॉडी के बिल्कुल बीचों बीच, क्या ये किसी और को शेयर कर रहा है? नहीं कर रहा, तो इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन और डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो जाएगी? कॉन्ट्रीब्यूशन तो 1 हो जाएगी, डिस्ट्रीब्यूशन भी 1 हो जाएगी। तो जब स्टूडेंट्स आप इसको सॉल्व करोगे, आपको देखने को मिलेगा भी टोटल क्या आएगा आपका आंसर, टोटल आंसर आपका आ जाएगा 3 आंसर आ जाएगा। एक सेकेंड, मैं ना यहाँ पे टोटल नंबर 6 लिख बैठी, यहाँ टोटल नंबर तो 12 आएंगे ना, कॉर्नर्स तो हमारे 12 ही होते हैं, कॉर्नर्स तो हमारे 12 ही हैं बेसिकली, तो इस वजह से टोटल इनटू एक का कंट्रीब्यूशन, एक का कंट्रीब्यूशन 1/6 समझ आया, क्यों? क्योंकि ये 6 को शेयर कर रहा है, इस वजह से एक का कितना हो जाएगा 1/6, और टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? 12 होते हैं, तो यहाँ से 2, और यहाँ पर देखिए भी यहाँ पर क्या है, 1/2 क्या है हमारा फेस का, भी कितने फेसेस को ये कंट्रीब्यूट कर रहा है, एक और दो को कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 1/2 हो जाएगा इन टू, टोटल फेसेस कितने होते हैं स्टूडेंट्स? ये गलती से मैं लिख बैठी, टोटल फेसेस हमारे होते हैं 6, तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा यहाँ से, और यहाँ पर हमारा बॉडी सेंटर का तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी वो शेयर ही एको करता है, तो यहाँ से हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 6 हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, ठीक है। पता कैसे किया, मैं एक बार आपको दोबारा से बताती हूँ, मैं पहले गलत यहाँ पर लिख बैठी थी गलती से, हमने क्या किया, पहले कंट्रीब्यूशन निकाला, इस कॉर्नर वाले का निकाला, ये कॉर्नर वाला कितनों को शेयर कर रहा है? 6 को, कैसे? 1, 2 और दो नीचे, दो ऊपर, 6 को, तो 1 को कितना करेगा 1/6, और टोटल कितने कॉर्नर्स होते हैं? हमेशा 12 ही लेते हैं, 12 ही होते हैं, तो 1/6 इंटू 12 हो जाएगा, प्लस
अब देखो फेस सेंटर क्या है, भी जैसे ये छत ऊपर वाली छत को भी कर रही है, ये हेक्सागन वाला ऊपर वाले हेक्सागन को भी टच कर रहा है, तो एक का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा 1/2, और कितने फेसेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, है ना, तो 1/2 × 6 प्लस बॉडी सेंटर का तो 1 × 1 होता है, तो टोटल कितने आ गए, 6 आ गए, मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन कितना आ गया, यूनिट सेल का कितना आ गया, 6 आ गया स्टूडेंट्स, पक्का क्लियर है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर जो नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि क्या 8, 9 और 10 ये तीनों इसके अंदर कम्प्लीटली हैं। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है क्या ये कम्प्लीटली है, तो इसका आंसर है नो, ये कम्प्लीटली नहीं प्रेजेंट। ये थोड़ा 3D सा स्ट्रक्चर दिखाया तो आपको लग रहा है बिल्कुल इसके अंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है। रीज़न देखो, जब मैं इसके ऊपर इसे बनाऊंगी ना आपको अपने आप समझ आ जाएगा। देखो ये 8 वाला है, ये ऐसे, ये 9 वाला है, और ये हमारा क्या 10 वाला। ये रीजन देख रहे हो, ये रीजन देख रहे हो, ये रीजन देख रहे हो, ये रीजन कहाँ है, बाहर है, ये उसके ऊपर नहीं है, तो इसका कुछ परसेंट बाहर भी प्रेजेंट होता है। ये पूरा का पूरा क्या है, इसके अंदर नहीं है, क्योंकि ये इसके ऊपर बना रखा है, 3D सा स्ट्रक्चर है तो आपको ऐसे लगेगा, लेकिन खुद सोच के देखो, आप बंटों को घर पे रख के देखना, थोड़ा सा थोड़ा बंटे बाहर निकले आपको देखने को मिलेंगे। इसका मतलब क्या है, ये कम्प्लीटली इसके अंदर नहीं है, 8, 9 और 10 बी लेयर की बात कर रही हूँ, बी लेयर कम्प्लीटली इसके अंदर नहीं प्रेजेंट है। स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करेंगे, स्टूडेंट्स इसे नोट करेंगे। अब हम देखने लगे हैं भी वॉल्यूम एटम्स का क्या होता है, तो हम इसमें ये इस चीज़ को यहाँ पर इरेज करती हूँ, ठीक है, होप्स आपने ये लिख लिया होगा। बस यही पेपर में पूछा जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर बताओ, कॉन्ट्रीब्यूशन बताओ, इनका क्या होगा, ठीक है। अब आप जो कर रहे हैं वो है वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल, थर्ड चीज इसमें पूछी जाती है वॉल्यूम ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल। इन यूनिट सेल में जो एटम्स प्रेजेंट है उनका क्या वॉल्यूम होगा स्टूडेंट्स, सो इसका क्या फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इनटू वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, है ना, टोटल नंबर कितने प्रेजेंट होते थे और उसको एक के एक वाले से मल्टीप्लाई कर दो तो हमारा आंसर आ जाता था। अभी हमने देखा कितने एटम्स प्रेजेंट है, 6 एटम्स प्रेजेंट है, कंट्रीब्यूशन आपने देखी थी, इनटू वॉल्यूम एक का क्या होता है, वॉल्यूम आपको पता है क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 πr³। तो जब आप इसे स्टूडेंट सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा 8πr³। क्या आंसर आ जाएगा, 8πr³ हमारा आंसर आ जाएगा। वीडियो को पॉज करेंगे, इस थर्ड पार्ट को नोट करेंगे। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स फोर्थ पार्ट क्या कहता है, फोर्थ पार्ट है वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ये किसका था, वॉल्यूम एटम्स का था जो एक यूनिट सेल में होते हैं। अब हम निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल स्टूडेंट्स। अब इसको कैसे निकालते थे याद कीजिए, क्या होता था, अब यहाँ पर एक नई चीज़ है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास हेक्सागन है, तो इसके निकालने के लिए इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला था बेस इनटू हाइट, इसको निकालने का फॉर्मूला होता है बेस इनटू हाइट, बेस ऑफ ए यूनिट सेल इनटू हाइट ऑफ ए यूनिट सेल। अगर हमें किसी एक यूनिट सेल का, अब यूनिट सेल क्या है बच्चों, यूनिट सेल तो क्या होता है भी जिसको हम बार बार रिपीट करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, उसका वॉल्यूम निकालना है, तो बेस इनटू यूनिट सेल इनटू हाइट इनटू यूनिट सेल। अगर मैं हेक्सागन को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखाऊँ तो ये ऐसे है बेसिकली, है ना, ये कुछ इस प्रकार से एक मॉलिक्यूल बीच में है, ये इस वाले का आर और ये इस वाले का रेडियस आर, टोटल एज लेंथ कितनी हो जाएगी एक हेक्सागन की, 2r हो जाएगी, और ये कितने ट्रायंगल्स हैं आप खुद सोचिए, सेंटर से सबको ज्वाइन कर दीजिए, आपको 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल देखने को मिलेंगे, और इस ट्रायंगल की जो एज लेंथ आपको देखने को मिल रही है वो कितनी है, 2r है, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी स्टूडेंट्स, 2r हो जाएगी। तो मतलब अगर आप एरिया निकाल लेंगे इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो पूरे का आ जाएगा हमारा आंसर, है ना। सो आप पहले इस डायग्राम को ड्रॉ कीजिए, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ऐसा केस मैं आपको पहले करवा चुकी हूँ हेक्सागन के केस में, आपको याद होगा हमने प्रीवियस टू प्रीवियस लेक्चर के अंदर यही चीज क्या की थी, डिस्कस की थी। तो अब देखो बेस एरिया को क्या लिख सकती हूँ, बेस एरिया को निकालने के लिए फॉर्मूला कहता है बेस इंटू हाइट करना, तो वो वॉल्यूम बता देगा। तो बेस एरिया क्या होता है, 6 इंटू इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया होगा, टोटल 6 है और उसे
6 से मल्टीप्लाई कर दोगे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया से, तो बेस एरिया हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो सो यस स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको जो बताया एक बार मैंने इसको लिख दिया है, क्योंकि यह डेरिवेशन फॉर्म में है तो आप इसे नोट भी कर सकते हैं साथ साथ। जैसे कि मैंने आपको बोला बेस एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। बेस एरिया निकालने के लिए हमें सारे इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का एरिया निकालना है और उसे 6 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होते हैं। तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो मतलब हमने प्रीवियस में भी निकाला था एरिया, रूट 3/4 ए स्क्वायर होता है। ए हमारी 2R होती है तो हमने वो डाल दी है। तो यहाँ से जब मैंने इसे कैलकुलेट किया मेरा बेस एरिया स्टूडेंट्स आ जाता है 6√3r² आप वीडियो को पॉज करेंगे, इस चीज़ को नोट करेंगे। मैंने क्या लिया 6, जो कि हमें 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का निकालना है, तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का इतना होता है। तो जब हमने कैलकुलेट किया हमारा ये आंसर आ गया। आप चाहे तो डेरिवेशन को एज इट इज़ याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, नहीं तो आपने इसके जो रिजल्ट हैं आप उसे अच्छे से याद कर लीजिए। और मेन चीज़ याद कर लीजिए भी बेस एरिया इंटू ये होता है, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे ये चीज़ याद कर लीजिए, क्योंकि जो चीज़ आप भूल सकते हो आप उसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। अब देखो स्टूडेंट्स, बेस एरिया तो निकाल लिया, अब सेकेंड चीज़ आती है हाइट। हाइट कैसे निकालेंगे? आपको मैंने क्या बोला था, जब 3 के ऊपर एक चीज़ और AB टाइप तब देखने को मिलती है जब हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड के ऊपर कोई और एक स्फीयर रखा जाए तो AB टाइप होगी। लेकिन अगर उसके ऊपर मतलब हम कहें भी टेट्राहेड्रल की बजाय ऑक्टाहेड्रल पे स्फीयर रखा जाए तो वो ABC टाइप बन जाएगी। ABC टाइप। अगर टेट्राहेड्रल मतलब जैसे अपन ने फर्स्ट लेयर लगाई फिर सेकेंड लगाई तो वो टेट्राहेड्रल बन गया। अगर उस टेट्राहेड्रल के ऊपर एक और स्फीयर रखा तो वो ये वाली टाइप बनेगी। लेकिन अगर ऑक्टाहेड्रल के ऊपर रखा ना तो वो ABC बन जाएगी। अब देखो, अब मैं बोल रही हूँ हाइट निकालनी है, तो क्या हुआ ये नीचे वाले 3 के ऊपर एक P रखा। हाइट का मतलब क्या है, जो नीचे वाला सफ़ियर है और ऊपर वाला जो सफ़ियर है, P सफ़ियर नाम दे दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। पता कैसे, ये A है ये P है, इन दोनों के बीच की जो हाइट होगी वो क्या लगेगी, हाइट। देखो कैसे, जैसे मैंने बोला ये बेस लेयर है ABC, इसके ऊपर एक और रखा तो इन दोनों के बीच की जो हाइट होगी इसके सेंटर और इसके सेंटर से वो क्या हो जाएगी, हाइट। उससे हमें इस बेस एरिया को मल्टीप्लाई करना है। अब उसको बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये ट्रायंगल बनाता है हमारा ABC, आपको पता ही है देखो, और हर जो होता है 60 डिग्री होता है, तो हाफ कितना हो जाएगा 30 डिग्री। मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी फ्रॉम B to D 90 डिग्री। हमें पता है भी ये क्या होता है 2R, ये भी 2R, ये भी 2R, यानी कि ये सारी साइड्स क्या हैं 2R, और हमें बताना है हाइट बिटवीन A and P। तो इसे इस तरह से कर सकती हूँ, A नहीं चलो मैं B लिख देती हूँ यहाँ पर, मतलब B और P के बीच में, किसी भी सफ़ियर और उसके ऊपर जो सफ़ियर रखा है उसके बीच में। तो ये ऐसे ड्रॉ कर दिया, अभी इसके ऊपर प्रेजेंट है और ये नीचे वाले तीनों एटम्स हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, ये क्या है, एक नीचे वाला एटम है, फिर B है और फिर C है, ये कुछ इस प्रकार से है, देखो यही अरेंजमेंट। और ये वाला P वाला क्या है, इसके ऊपर रखा गया, तो इसको हमने ऐसे हाइट शो कर दिया। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं, इन ट्रायंगल BDC, जो हमारे पास ये ट्रायंगल है BDC, ये छोटे वाला जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ की थी, इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, BD निकाल लेंगे, क्योंकि BD का जो हाफ है वो इस ट्रायंगल की हाइट निकालने में हमें काम करेगा। तो इन ट्रायंगल BDC में देखिए cos 30 डिग्री क्या होता है, BD/2R, cos 30 डिग्री क्या हो जाएगा, BD ये है अपॉन 2R, यानी कि BC है ना, तो BC की जगह 2R पहले लिख दे। यहाँ से मैंने जब BD कैलकुलेट करी तो मेरी जो ये वाली बीच वाली हेल लाइन हाइट ये मेरी कितनी आ गई, √3R। अब मैंने क्या करना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है और इसकी हेल्प से इस x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है, यानी कि इन दोनों के बीच की हाइट कैलकुलेट कर लेनी है। तो वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट करेंगे स्टूडेंट्स। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने यहाँ से BD की वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी, मैं ये इस वजह से इतना डिटेल में करवा रही हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट रिजल्ट जब भी आप याद करने लगते हो तो कन्फ्यूजन हो जाते हैं, तो एक बार देख लोगे तो आइडिया हो जाएगा। तो अब यहाँ से हमने BD की वैल्यू देख ली है, अब इस BD को हम ये कह सकते हैं भी ये हमारा आंसर आ गया था √3R है ना। अब आप देखिए BE क्या है, 2/3 of BD है, जो ये BE है ना एक्चुअल में ये 2/3 होता है। अब यही तभी आपको बोला मैंने कई चीज़ें जो आपको याद करनी पड़ेंगी, इसे आप याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर BD की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, 2/3 of √3R, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे आ जाएगा 2/√3R, क्योंकि कट हो जाएगा है ना, इस वजह से आंसर आ जाएगा अभी बी क्या आएगा, 2/√3R आ जाएगा। अब अपन ने कौन सा ट्रायंगल लेना है, ये वाला ट्रायंगल लेना है स्टूडेंट्स, हमने ये वाला ट्रायंगल कंसीडर करना है। अब आप चीज़ देखिए, यहाँ पर हमें ये तो पता है 2R होता है, मतलब दो जो स्फीयर्स हैं
इन दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस हमें हाइट बतानी है, लेकिन डिस्टेंस तो इन दोनों के बीच का 2r होता है, हमें पता है बेस हमने निकाल लिया, कितना आ गया 2/√3r आ गया। अब हमें हाइट निकालनी है जो कि x मैंने कंसीडर कर ली। अब मतलब ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसके अकॉर्डिंगली ये हाइपोटेन्यूस, स्टूडेंट्स ये आपको इस स्ट्रक्चर में कहीं ये लगे भी ये हाइपोटेन्यूस, ऐसा नहीं है, ये जो है हमारी क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूस है और ये हमारी हाइट है। तो अब आप देख सकते हो मतलब परपेंडिकुलर है। अब मैंने जब फॉर्मूला लगाया पाइथागोरस थ्योरम का तो मैंने 2r स्क्वायर भी डाल दिया और 2/√3r भी डाल दिया। यहाँ से मेरी x की वैल्यू आ गई 2√2/3r। अब आपको एक चीज़ ये भी याद करनी पड़ेगी भी हाइट बाई 2 जो होता है वो इक्वल होगा हमारे इन दोनों के बीच के डिस्टेंस का, ठीक है। तो यहाँ से हमने जब हाइट कैलकुलेट की स्टूडेंट्स वो आ जाएगी 4√2/3r, ठीक है। अब हमें पता है वॉल्यूम क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, तो जब हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे हमारा आंसर आ जाएगा 24√2r³, ठीक है। आप NCERTs खोल लीजिए, अगर आपको डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम हो तो आप वहाँ से भी उसे याद कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया, मेन आपको आंसर भी याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखिए यहाँ से हमने वॉल्यूम कैलकुलेट कर लिया। अब जो नेक्स्ट इसके अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स, पहले तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है पैकिंग फ्रैक्शन का, पैकिंग फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है ना भी, वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100। वॉल्यूम ऑफ एटम अभी अपन ने निकाला था 8π r³ है ना, और ये जो हमने वॉल्यूम निकाल लिया यूनिट सेल का निकाल लिया, तो उसको इसे डिवाइड कर दोगे तो पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। तो एज अ होमवर्क आपने करना है, आपने पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है ABAB टाइप के लिए। अब जो नेक्स्ट टाइप आती है स्टूडेंट्स वो आती है ABC टाइप। ABC टाइप का मतलब क्या होता है, जब हमें मतलब जो थर्ड लेयर है हमारी सी लेयर है वो जब हम बी लेयर यानी कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखेंगे, अगर हम स्फीयर्स को टेट्राहेड्रल वॉइड्स के ऊपर रखेंगे तो वो ये बनाएगा ABAB टाइप, लेकिन अगर हम उसे ऑक्टाहेड्रल पे रखेंगे तो वो बनाएगा ABC टाइप। तो अब आप वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे, इसके बाद हम देखने लगे हमारा जो लास्ट टॉपिक है ABC टाइप ऑफ पैकिंग। सो यस स्टूडेंट्स, अब हम देखने लगे हैं ABC टाइप ऑफ पैकिंग। इसके अरेंजमेंट शो करने के लिए देखिए, सबसे पहले मैं आपको क्या बोलूँगी, ये भी जो ए लेयर है मान लो ये उसका एक मॉलिक्यूल ले रही हूँ ए लेयर का, इसे वन नाम दे देते हैं। अब जो बी लेयर होगी, ठीक है, अब जो बी लेयर होगी स्टूडेंट्स वो कुछ इस प्रकार से होगी, मैं अभी बनाकर भी दिखाऊंगी, कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन ये बी लेयर है, सी लेयर क्या होगी, ये होगी सी लेयर, और जो लास्ट लेयर हमारी हो जाएगी मतलब इसके बाद वाला एक मॉलिक्यूल आएगा वो भी बिल्कुल ऐसा ही नीचे होगा, ठीक है। तो अब इसको मैं बनाकर दिखाती हूँ जैसे इसका। सो स्टूडेंट्स, अब हम इसे डॉट में अगर शो करूँ तो फर्स्ट वाले को मैंने पहले ऐसे बनाया, ठीक है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, एलेवेंथ, ट्वेल्थ, 13th and 14th, ठीक, कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, सेम मैंने नंबरिंग करी है। अब मैं क्या करूँगी, इसको ज्वाइन करूँगी, देखो पहले नीचे वालों को इनसे ज्वाइन करना है, समझ पा रहे हैं, पहले आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, नीचे वालों को इनसे ज्वाइन करना है। अब उसके बाद ये जो ऊपर वाले हैं ना इसको इसके इससे ज्वाइन करना है, ठीक है, ऊपर वाले को इसके इससे ज्वाइन करना है और नीचे वाले को इसके इससे ज्वाइन करना है, इस प्रकार से, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, इनको इनसे ऐसे ज्वाइन कर देना है, समझ पा रहे हैं मैंने किस प्रकार से स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है स्टूडेंट्स। अब देखो ये आपको कैसे देखने को मिल रहा है, एक लेटा हुआ यूनिट सेल देखने को मिल रहा है, ऐसे टेढ़ा। पहले हमने इसको अगर ऐसे रोटेट कर दो तो ये सीधा हो जाएगा, अगर ऐसे देखोगे तो क्या टेढ़ा यूनिट सेल है। तो ये कौन सी पैकिंग होती है, ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग होती है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर हमें जो चीज़ समझने की ज़रूरत है, अगर मैं इसी दोबारा मॉलिक्यूल की नंबरिंग कर देती हूँ एक बार, ये आपको और क्लियर हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14, यही नंबरिंग मैंने यहाँ पर कर दी ताकि और आपको क्या हो जाए स्टूडेंट्स, क्लियर हो जाए। अब मैं पता क्या करने वाली हूँ आपको ना, इसके अंदर पूछती हूँ मैं कोऑर्डिनेशन नंबर मुझे बताइए। कोऑर्डिनेशन नंबर हम कैसे निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, सेम ही कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, चीज़ें सेम है, क्योंकि है तो ये एक बेसिकली थर्ड लेयर ही मतलब रिप्रेजेंटेशन, तो इसमें भी जब आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालोगे आएगा 12। कितना कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा, 12, क्योंकि अब ये तो यूनिट सेल है
पिछले वाला केस तो हेक्सागन शेप थी, ये हमारी स्क्वायर शेप है जो हम कमरा एज्यूम करते हैं। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स? 12 आ जाएगा, ठीक है। या तो सेम वैसे ही कर सकते हो भी, 6 जो है वो सेम लेयर में, 3 ऊपर 3 नीचे, या फिर 4 4 4 करके। मतलब आप इसको इतना मत सोचो, इसको सिंपल इतना याद रखो भी ये क्या बनता है, अपना यूनिट सेल बनता है, थोड़ा टेढ़ा सा, मतलब यूनिट सेल सीधा है उसको टेढ़ा कर दो, तो ABC टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग होती है। और यूनिट सेल के अंदर, स्क्वायर वाले के अंदर हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 12 ही आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सेकंड चीज़, इसमें अगर आपसे पूछा जाए भी जेड क्या आएगा, तो इस केस के अंदर जेड हमारा 4 आएगा, इस केस के अंदर हमारा जेड क्या आएगा, 4 आएगा। आप इसे सीधे याद भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आपसे जो पूछा जाता है, वो पूछा जाता है वॉल्यूम निकालिए। वॉल्यूम किसका? एटम्स का पूछा जाता है। तो वॉल्यूम एटम क्या निकालते हैं, जेड इंटू 1 का वॉल्यूम, जेड कितना है 4, इंटू 1 का कितना होता है स्टूडेंट्स, हमारा 1 होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो कितना वॉल्यूम आ जाएगा स्टूडेंट्स, 16/3 पाई आर क्यूब के आ जाएगा हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। किसका? एटम्स का वॉल्यूम आ जाएगा। अब जैसे अपन ने उधर वॉल्यूम यूनिट सेल का निकाला था, आप इधर भी वॉल्यूम यूनिट सेल का कैलकुलेट करेंगे, उसके लिए अपने को ए का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। तो जब स्टूडेंट्स आप ए की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देती हूँ। ए जो हमारा आने वाला है, ए हमारा कैलकुलेट करके आ जाएगा 2√2। ए जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा 2√2r, ठीक है। ए की हमारी ये वैल्यू हो जाएगी। और हमें पता है जब हम वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालते हैं, इसको इरेज कर रही हूँ, कोऑर्डिनेशन नंबर और ये याद कर लीजिएगा। अब अगर आपको मैं बोलूँ वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होता है, ए क्यूब होता है, और ए क्या आएगा, ए कैलकुलेशन के बाद ही आता है 2/2√2r का स्क्वायर, ठीक है। तो ये वैल्यू को जब आप पुट करेंगे स्टूडेंट्स, हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 16√2r क्यूब हो जाएगा, यहाँ सॉरी क्यूब आएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 16√2r क्यूब, क्योंकि ये ए क्यूब है ना, यहाँ गलती से स्क्वायर लिखा गया। वॉल्यूम हमेशा ए क्यूब होता है, एरिया हमेशा ए स्क्वायर होता है। ये वैल्यू हमने निकाल लिया, कैलकुलेट की हुई है, टेंशन ना लीजिए, ठीक है। तो ये कैलकुलेटेड है, इसलिए आपको कह रही हूँ सीधा इसको पुट कीजिए, आंसर निकालिए। अब ये तो हमारा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आ गया, वॉल्यूम ऑफ एटम आ गया। अब अगर आपसे मैं इसमें पैकिंग एफिशिएंसी पूछूं, तो आप कैसे करोगे? वॉल्यूम ऑफ एटम को इससे डिवाइड कर दोगे, मतलब यूनिट सेल को उससे डिवाइड कर दोगे, आपकी पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगी स्टूडेंट्स। तो जैसे कि मैंने आपको बोला भी, दोनों केसेस में आपने पैकिंग एफिशिएंसी बतानी है, तो मैं आपको आंसर बता देती हूँ। प्रीवियस वाले केस में जो है हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी स्टूडेंट्स 74%, ठीक है। और इस वाले केस में भी हमारी पैकिंग एफिशिएंसी आएगी 74%, दोनों केसेस में सेम पैकिंग एफिशिएंसी आएगी। तो अगर आप इसे कैलकुलेट वैसे तो कर ही लोगे, वैसे 74% आंसर है। और अगर मैं आपसे पूछूं परसेंटेज वॉइड का क्या है, वॉइड होता है खाली जगह, तो 100 में से 74 को माइनस करोगे तो परसेंटेज हमारी किसकी आ जाएगी, वॉइड की भी आ जाएगी स्टूडेंट्स। सो वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। और यहीं पर स्टूडेंट्स जो हमारा टॉपिक है 3D क्लोज पैकिंग, वो फिनिश होता है। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। और हाँ जी स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट को इस पे कोई प्रॉब्लम आई हो, तो आप NCERT को खोलकर उस डेरिवेशन को देख सकते हैं, उसे वहाँ से भी याद कर सकते हैं। बाकी मेथड मैंने एक बार आपको समझा दिया है, और ये चीज़ें आपको तब एक बार आपको मुश्किल लगेंगी, लेकिन आप बार 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 इसे प्रैक्टिस करेंगे तो ऑब्वियसली इसको हो जाएगी। फर्स्ट टाइम में किसी से भी नहीं होता, जब आप उसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे वो ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगी। So do share, like and subscribe my channel. Thanks a lot, students.